हेलो। हाँ दीदी, कहाँ रह गए आप? अरे बट पिछले महीने तो 2 हफ्ते की छुट्टी ली थी दीदी। अच्छा मेरी बात सुनो। हेलो सुन क्या हुआ निहारिका, ऑल ओके? यार इतनी मुश्किल से हाथ पैर मार के फाइनली एक बीबी सेटर रखी थी, एजेंसी को कमीशन भी दी थी। अब ना एजेंसी फोन उठाती है ना बीबी सेटर मेरी बात सुनती है। मेरे साथ भी ऐसा ही होता है। इसकी तो मुझसे भी बुरी हालत है। शख्स, इसने अपनी पड़ोसी से एक कुक रखी थी। कुक को बोला है कि बेसिक सा पोहा बना दो, तो कुक बोलती है कि मेरी एक्सपर्टीज नहीं है, आई एम आउट। अब यार इसमें इनकी क्या गलती है? इनको कोई ट्रेनिंग तो देता नहीं है यार। इन प्रॉब्लम्स का कोई तो सॉल्यूशन होगा। सॉल्यूशन है शख्स, इंडिया के हर घर में ये एक्सपीरियंस मिसिंग है। एक ऐसा कुक जो आपको कभी ना होने दे लेट। एक ऐसी भरोसेमंद बेबीसिटर जो आपके बच्चे की हो फेवरेट। और एक ऐसा हाउस है जो आपके घर को रखे एक्सट्रीमली ग्रेट। सुपर वुमन है ये तो। और ये सॉल्यूशन लेके आया है ड्रूमीज, इंडियाज ट्रस्टेड होममेकर्स। हेलो शॉट्स, मैं हूँ निहारिका। मैं हूँ वैभव। मैं हूँ सौरभ। और हम लोग आए हैं दिल्ली से। शख्स, रूमीज एक ऐसा टेक इनेबल्ड प्लेटफॉर्म है जिसके जरिए आप अपने घर के लिए एक हाउस हेल्प, कुक, बेबीसिटर या ऑलराउंडर बुक कर सकते हैं। आप हमारी वेबसाइट या ऐप पे जाएंगे और 2 मिनट में आपकी बुकिंग क्रिएट हो जाएगी। उसके बाद सारी हेडेक हमारी। हम आपके लिए ढूंढेंगे एक वर्कर जो फुली ट्रेन्ड, वेरीफाइड और रिलायबल होगा। लास्टली हम इनको देते हैं हेल्थ इंश्योरेंस, चाइल्ड एजुकेशन बेनिफिट, वेरी नाइस, और इंटरेस्ट फ्री लोन्स, फीमेल हाइजीन प्रोडक्ट्स, और सबसे बड़ी बात 3 times ज्यादा सैलरी कमाने का मौका। शख्स, रूमीज इंडिया के 5,000 से भी ज्यादा घरों में अपनी सर्विस दे चुका है। वेरी गुड। और आज इस मंच पे आपके समक्ष 80 lakhs की मांग करने आया है फॉर 2% इक्विटी। फॉर 2%। शख्स, ये हमारी एस ब्लूमी है तृप्ति जी। इन्होंने कुछ आप लोगों के लिए प्रिपेयर किया है जो इन्होंने हमारे ट्रेनिंग हब्स में सीखा। अरे वाह, तो आपकी इजाजत चाहेंगे? बिल्कुल यार, रिश्वत दीजिए। ये तृप्ति जी आप ही ने बनाया है? जी सर। एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ। हाँ जी सर। सिर्फ तो आप एक्चुअल हेल्पर हो, हाउस हेल्प हो, क्या आप क्या काम करती हो? इस कंपनी से जुड़ी हुई हूँ मैं, इनके हेल्पर के तौर पर काम करती हूँ। आपको मिल रहा है हेल्थ इंश्योरेंस? हाँ, और... मैंने लिया हुआ है मैम। अरे वाह। और आप इतना खुश क्यों हैं? काम करके खुश हो कि टीवी पे आ रहे हो इसलिए खुश? सर टीवी पे आ रही हूँ इसलिए मैं खुश हो जा रहा हूँ। सबसे बड़ी बात सर, यूज सर से मिलकर बहुत अच्छा लगा मुझे। अरे वाह, आपका खाना बहुत अच्छा है। थैंक यू सो मच सर। आप कितने घरों में काम कर चुके हैं तृप्ति जी? मैम मैं 3 से 4 घरों में काम करती हूँ रूमीज के थ्रू। हाँ जी हाँ जी। तो आप इनको क्यों कमीशन देती हो, खुद क्यों नहीं कर लेती हो 3-4 घर? सर फिर मुझे वो चीज नहीं मिलेगी जो मुझे कंपनी से मिली है। क्या नहीं मिलेगी बताइए बताइए। मतलब जैसे हम उनसे अगर बोलेंगे हमें एडवांस दे दो। हाँ जी। तो मुझे पे कैसे भरोसा करके दे देंगे? अच्छा, और पैसे की जरूरत हो? हाँ जी। या किसी लोन कुछ करवाना हो? हाँ, तो मुझे उनसे वो बेनिफिट नहीं मिलेगा जो मुझे कंपनी से मिलेगा। अच्छा, क्योंकि सारी जिम्मेदारी कंपनी उठाती है हमारी। तो आप खुश हो? हाँ सर मैं बहुत खुश हूँ इससे जुड़ के। आपकी पहले क्या इनकम थी और इनको जॉइन? मैम पहले गुड जॉब कर लेंगे नहीं हमें कस्टमर ही मिल गया। आप पहले क्या कमाती थी और इनको ज्वाइन करने के बाद अब क्या कमाती है? बेबी सिटर का काम किया था मैंने 5 साल, जिसमें मैं उस समय कर रही थी 2,000 रुपए मिलते थे मुझे। हाँ जी। और फिर उसके बाद मैंने सिक्योरिटी ज्वाइन करी, उधर 12,000 मिलते थे मुझे। और अभी? अब मैं यहाँ पर जब से जुड़ी हूँ तो मुझे कुकिंग में मिलता मुझे 28,000 के आसपास हो जाता है। मोर देन डबल। फैबुलस जॉब, प्राउड ऑफ यू। नमस्कार तृप्ति जी, थैंक यू। निहारिका, वैभव, सौरभ, ये प्रॉब्लम तो है, जेनुइन प्रॉब्लम, और सबको ये प्रॉब्लम निकल रहा है अमन का ना, सबके दुख से रखा है। हाँ, क्योंकि जब यू नो मेरे घर पे हेल्प नहीं होती तो मेरी मतलब मैं हेल्प बन जाता हूँ, राइट? तो ये प्रॉब्लम आप में से किसको आई पहले? तो आप इन दोनों को कैसे मिले और कैसे जानते हो?
सर हम दोनों कॉलेज के दोस्त हैं फर्स्ट ईयर से और शुरुआत से हमने सोशल एंटरप्रेन्योरशिप में काफ़ी सारे काम किए हैं कॉलेज में भी। उसी दौरान हमें काफ़ी सारे इंटरेक्शन किए लोगों से कि क्या प्रॉब्लम्स हैं, क्या परेशानियां हैं उनकी। रेगुलर एम्प्लॉयमेंट नहीं मिलती, सैलरी नहीं मिलती, डिग्निटी नहीं मिलती, तो वो प्रॉब्लम्स हमने देखते हुए सोचना स्टार्ट किया कि एक प्लेटफॉर्म होना चाहिए इन लोगों के लिए। बिल्कुल, तो ये है स्टोरी कि मैं और सौरभ कैसे मिले। अब मैं और निहारिका इंडियन स्कूल ऑफ हैदराबाद जा रहे थे, बिजनेस हैदराबाद, सॉरी ISB हैदराबाद, तो हम दोनों ड्रॉप आउट कर गए थे। क्यों कर गए? क्योंकि हमने रूम में स्टार्ट किया। और इससे पहले आपका वो क्या है वर्किंग बैकग्राउंड? कॉलेज में आई वाज एक फाउंडिंग मेंबर ऑफ दिस कंपनी कॉल्ड डांस बाइबल। ये जिमवेयर प्रोडक्ट्स बेचा था ऑनलाइन। उसके बाद मैंने ईगॉन सेंटर ज्वाइन किया जो एक नीच कंसल्टिंग फर्म है। मैंने वहाँ पे 2 साल काम किया और उसके बाद मैं ISP जाने वाली। आपका ये पैटर्न दिख रहा है निहारिका जी, कि आप पहले देखती हैं किसी ने शुरू कर लिया, फिर लग रहा है थोड़ा ठीक चलेगा तो आप ज्वाइन कर लेती हैं। मतलब फर्स्ट आउट ऑफ द थ्री में सबसे कम रिस्क टेकिंग हूं, मतलब मुझे प्लानिंग बहुत पसंद है। तो मुझे लगता है बताओ वो दिख रहा है, बट यू नो इट एंड यू ओन इट, यस दैट्स इंपॉर्टेंट। एब्सोल्युटली। सो हम दोनों YLP एडमिट्स थे ISB के। थ्रू दैट हम एक दूसरे को जानते थे, हमें कॉमन ग्रुप में भी कनेक्टेड थे। और मेरे को था कि अब मेरे पास एटलीस्ट कोविड हो गया, आई डोंट वांट टू डू एन ऑनलाइन MBA। So I put it up on the group ki koi startup kar raha hai kya. So they told me this. So I was actually their first customer. Mere dono parents working hai aur meri mom abhi close to 60 years old and I've seen her aging away because of the work. I said, haan, ye bahut badi pain point hai. Haan ji. Aap mujhe ek worker laake do, if you're able to do it, I will come on board. Oh wow. So that's how it happened, because I strongly feel for customers and these two strongly feel for workers. So workers, customers through tech is what we're doing. When was Broomies born? February 2021 हमने officially incorporate किया, but हम August 2020 से काम start कर चुके थे इस पर। आप sourcing कहाँ से करते हैं? मैम दो channels हैं, offline online। हमारे एक worker app है, offline channel भी है, जिसमें हमारे पास खुद के work training centers भी हैं और बहुत बड़ी team है जो on field campaigns करती है, awareness create करती है और लोगों को बुलाती है। आप complaints के लिए आपका mechanism मतलब क्या तरीका है? मैम दो ऐप्स हैं, वर्कर ऐप, कस्टमर ऐप, फीडबैक ऑप्शंस है, रिप्लेसमेंट ऑप्शंस है। इवन इफ अगर कोई भी IVR टोल फ्री टीम ना हो, सब कुछ आप ऐप्स के थ्रू कर सकते हैं। कॉन्ट्रैक्ट किसके बीच में होता है? सर बिटवीन वर्कर एंड ब्रूमीज, बट ये सर्विस पार्टनर कॉन्ट्रैक्ट है। अच्छा। और सिमिलरली कस्टमर का बिटवीन कस्टमर एंड ब्रूमीज अगेन। सुपर्ब। कॉम्पिटिशन क्या है? बुक माई बाई है या फिर हाउस मेड है। मैम एक तो टेक्नोलॉजी यूज नहीं कर रहे, तो स्केलेबिलिटी एक्चुअली बहुत ही बड़ा क्वेश्चन मार्क। एक बहुत बड़ा कंपटीशन है जिसका आपने जिक्र नहीं किया, फेसबुक ग्रुप्स, वहाँ पे ये सब काम बहुत होता है। सर मैं खुद एटलीस्ट 20 फेसबुक ग्रुप्स की पार्ट हूँ, पर एटलीस्ट 500 मुझे और ज्वाइन करने हैं जिससे मैं ग्रूमीज को मार्केट कर पाऊँ। लास्ट क्वेश्चन, आप CEO हैं? नो मैम, CEO वैभव है। आप कॉपकॉम देखती हैं? कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन? नहीं सर, मैं स्टार्टिंग में कस्टमर्स का बहुत अच्छी हूँ, तो मेरा वोकल थोड़ा स्ट्रॉन्ग। आप कॉर्पकॉम नहीं, आप वैभव और सौरभ का कम्युनिकेशन देखते हैं। आई लव योर पैशन, यू आर टू गुड मैन। आप लोग के क्या रोल्स हैं इस कंपनी में? रोल एंड इक्विटी दोनों बता दीजिए। मैं कस्टमर एक्विजिशन, मार्केटिंग और स्ट्रैटेजी देखती हूँ। अच्छा जी। वैभव CEO है एंड प्रोडक्ट एंड टेक पूरा संभालते हैं। सौरभ COO है एंड ऑपरेशंस एंड पूरा सप्लाई चेन देखते हैं। Equity 25%, 22%, 5% is ESOP, remaining 25% is with investors. इस इंडस्ट्री में डिससैटिस्फैक्शन लेवल्स बहुत हाई है, क्योंकि आप क्या कर रहे हैं ना, वो जो सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं वो एग्जैक्टली मेजरेबल और टेंजिबल नहीं है। वो एक केमिस्ट्री बन जाता है, इट इज अबाउट अ रिलेशनशिप बिटवीन टू पीपल, पर्टिकुलरली द पर्सन हू रन्स द हाउस और जो हेल्प घर पे आ रही है, तो उसको एक फॉर्मूला में कन्वर्ट करना और स्टैंडर्डाइज करना बहुत बहुत मुश्किल काम है। व्हाट इज योर एक्सपीरियंस? सर हमने स्टार्ट ऐसे किया था कि हम एक एक्चुअली बहुत मुश्किल से मैच करा पाते थे। कस्टमर कुछ बोल रहे हैं मुझे ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, वो के बोल रहे हैं मुझे ये चाहिए, ये चाहिए, और बहुत मुश्किल से मैच होता था। अब हमारा अप्रोच ये कि हम सब कुछ स्टैंडर्डाइज करेंगे और सब कुछ क्लियरली रिटन है। जब हमारी आप वेबसाइट या ऐप पे जाते हैं, तो आप जब अपनी सर्विसेज का चूज करते हैं, तो आप कुछ भी नहीं डाल सकते, जो ऑप्शन है उसी में से डाल सकते हैं। अच्छा। और उसके बाद सेट सैलरी उधर ही शो होता है। और नो नेगोशिएशन? नो नेगोशिएशन। हम लोग एक्स एम्प्लॉयर चेक करते हैं, जिसके अंदर हम उनके एक्स एम्प्लॉयर को एक्चुअली कॉल करके उनका फीडबैक लेते हैं। वेरी गुड,
lot of the workers don't like to give ex employee ke bare mein information dena nahi chahte. 30,000 rupaye kamana hai to wo to khud nikal ke dega. To ye hamare customer app hai to wo app download karegi login karegi aur fir upar hamare charo services sabse pehle dikhti hain. To jaise Niharika ko agar chef ya cook book karna hai to wo yahan pe jayengi. She can see all the information beforehand. क्या चीज प्राइस में इंक्लूडेड है. इसके बाद वो बुक नाउ पे क्लिक करके बस अपना एड्रेस डालेंगी और बस आपको स्टार्ट डेट डालनी है और आपकी बुकिंग हो गई. और इसमें आप नीचे अगर देखेंगे तो एस्टिमेटेड मंथली सैलरी और आवर्स क्लियरली शो हो रहा है. नहीं पर इसको मैच अभी नहीं हुई ना, ये तो अभी आपने रिक्वेस्ट दी है. तो कितने परसेंट मैच होते हैं? हाँ, मैं अगस्त के मंथ की अगर बात करूँ अराउंड 250 बुकिंग्स हमारे पास आई होंगी रिक्वेस्ट, जिसको हम उसमें से हम अराउंड 140 फुलफिल कर पाए होंगे. कुछ कम नहीं है नंबर? सर एक्चुअली फॉर अ 40 करोड़ वैल्यूएशन काफी कम लग गया. हम अभी साउथ दिल्ली, गुड़गांव और नोएडा में ऑपरेट कर रहे हैं और हमारा ट्रेनिंग सेंटर मॉडल है. जैसे जैसे हम छोटे छोटे सेंटर्स खोलते हैं वैसे वैसे वो एरिया ऑपरेशनल हो जाता है हमारे. हमें वैसे जो बुकिंग्स आती हैं वो 1000 क्रॉस कर जाती हैं. जो क्वालिफाइड बुकिंग जिसको हम एक्सेप्ट करते हैं कि हम इसको फुलफिल करेंगे वो नंबर 250. फिल रेट इतना कम क्यों? सर ये वो कस्टमर्स हैं जिनको एक्चुअली सैलरी से दिक्कत है. तो आपकी सैलरी मतलब मार्केट से बहुत हाई चार्ज करते हैं? नहीं सर, सैलरी हाई चार्ज नहीं करते, एक्चुअली मिनिमम वेजेस को ही फॉलो करते हैं. बट अनफॉर्चुनेटली इस इंडस्ट्री में कस्टमर्स को आदत है बहुत एक्सप्लॉइट करने की और बहुत कम पे करने की. एवरेज कॉन्ट्रैक्ट लाइफ कितना होता है? 7 months. बस इतना ही? वर्कर्स काफी बार अपने गांव चले जाते हैं तो कॉन्ट्रैक्ट बीच में एंड हो जाता है और हम न्यू कॉन्ट्रैक्ट स्टार्ट करते हैं. अच्छा, ये एट्रिशन है पर जबकि वो इन अ वे कंटिन्यूड बुकिंग है. बट उसको देखना चाहिए आपको एक कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से. यू शुड नॉट लुक एट दैट एज टू सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट. इसमें आप गलती करोगे एनालिसिस में. लेकिन एवरेज कॉन्ट्रैक्ट लाइफ क्या है, वैल्यू क्या है? सर वैल्यू है समवेयर अराउंड 7000 टू 11000 रुपीस. और आपका कमीशन इस पर मंथ राइट? ये पूरा हमारा कमीशन. तो 10% लेते हो आप कुछ? हाँ, रफली 10-14% हमारा टेक है. यू मस्ट हैव रेज इन्वेस्टमेंट. कुछ पैसा रेज किया आप? तो इससे पहले हमने एक थोड़ा प्री सीड राउंड रेज किया था. 4.2 करोड़ रेज किया था हमने उस राउंड में. वैल्यूएशन क्या थी? 28 करोड़ पोस्ट मनी वैल्यूएशन. वाओ दैट्स रिच. और फिर उसके बाद? हम अभी करंट राउंड रेस कर रहे हैं जिसमें हम 7 करोड़ का राउंड रख रहे हैं और ये राउंड हम रेस कर रहे हैं 35 करोड़ प्री मनी वैल्यूएशन. बहुत सारा पैसा आपने 4.2 करोड़ खत्म करके नेक्स्ट राउंड तक क्यों? नहीं मैम, हमारे पास 3 करोड़ ऑलरेडी बैंक में अभी भी है. हमारा बर्न 20 लाख का है और हमारे पास अभी भी 1 साल का रनवे है. तो हम लोग मनी बहुत फ्रूगल यूज करते हैं, ऐसे बस खर्च करने के लिए नहीं करते हैं. तो अभी क्यों रेस करो? आप नेक्स्ट ईयर करोगे, शायद मार्केट बेटर हो, थोड़े अच्छे टर्म्स मिलेंगे. मैम अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बहुत मैटर करता है. मार्केट तब तक बेटर हो जाएगा, आपको बेटर टर्म्स मिल जाएंगे. शार्क टैंक में मैं हर बार कंपनीज आती हैं और बोलता हूं कि नहीं रेस करें, पर आप अच्छा कर रहे हैं रेस करके. और अगर आपने इस मार्केट में रेस कर लिया तो देन इट विल बी वेरी गुड फॉर यू. आई थिंक यू आर बीइंग स्मार्ट अबाउट. आपने कहा आप 42 करोड़ पोस्ट मनी पे रेज कर रहे हैं, 35 करोड़ प्री मनी वैल्यूएशन, 7 करोड़ का राउंड. फिर भी आप यहाँ पर आके आपकी आस्क है 80 लाख और 2%, मतलब 40 करोड़ की वैल्यूएशन. कम मनी में दे रहे हैं वैल्यूएशन. ऑनेस्टली हमारे पास कोई भी एक बहुत ही अमेजिंग इंडियन इन्वेस्टर नहीं है जिसने चीजें एट स्केल करी हैं. तो आपको एक्सपर्टीज की जरूरत है. करेक्ट मैम, इस बिजनेस में ना आइडिया तो कुछ ग्रेट है नहीं, एग्जीक्यूशन इज द थिंग. करेक्ट. और बहुत ही बढ़िया यार, आप सॉलिड एंटरप्रेन्योर. वैभव लास्ट मंथ रेवेन्यू क्या किया आपने? अराउंड 15 लाख रुपीस प्योरली हमारा टेक जो होता है. आपका जो टेक था वो 15 लाख और जीएमवी वाइज सर अराउंड 95 लाख था फॉर द लास्ट मंथ. बेटा मैं और अमन आपको एक ऑफर देना चाहेंगे. वाओ, we love your entrepreneurship passion. आप जो मिशन पे निकले हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है एंड जिस तरह से जिस क्लैरिटी से आपने जवाब दिए फैंटास्टिक. We would like to offer you 80 lakhs for 3%. While I like your approach कि आप बहुत dignity ला रहे हैं इस profession में, पर ये finally जैसे आपने बोला it'll boil down to a वेरी कॉम्प्लिकेटेड एग्जीक्यूशन गेम जहाँ
एट सम पॉइंट अगर कोई यू नो लार्ज फंडेड प्लेयर आके डिसाइड करेगा कि मैं इतना पैसा इसमें बर्न करूं कि मैं सारे वर्कर्स को अट्रैक्ट कर लूं एंड यू नो बेटर बोलूं कि मैं 50,000 दूंगा, तो फॉर अ स्टार्टअप टू विन द रिस्क्स आर वेरी हाई, सो आई वुड लाइक टू बी आउट. नेक्स्ट राउंड अगर आपको नहीं मिलता है बड़ा राउंड, आप कैसे कम्पीट करोगे, कैसे बड़ी कंपनी बनाओगे? सर हमें बिना पैसों के भी काम करना आता है. कैसे करोगे? अभी हमारा जो मेन खर्चा है दैट इज ऑन प्रोडक्ट, क्योंकि हम टेक अच्छा बिल्ड करना चाहते हैं जो लॉन्ग लास्टिंग हो. आप इग्नोर कर सकते हो उन्हें, कितने लोग हैं टीम में? आप हमें इग्नोर कर रहे हैं? आप हमें इग्नोर कर रहे हैं? सर अभी हमारे पास 5 लोगों की हाई पेइंग टेक टीम है हमारी, दैट इज वन एरिया जहाँ पे हम खर्चा कर रहे हैं, और हमने मार्केटिंग अभी शुरू करी है, पर एज एन वेन हमारे मोर एरियाज ऑपरेशनल हो जाएंगे, जो बहुत बड़ी फिक्स कॉस्ट है, ये डिवाइड हो जाएगी ओवर अदर सेंटर्स और जहाँ से रेवेन्यू आना शुरू हो जाएगा. चलिए मुझे लगता है आपकी टीम बहुत कॉम्प्लीमेंट्री है और बहुत अच्छा काम कर रही है आप, ये किसी ना किसी को करना है, सॉल्व तो होगा ये काम, तो मैं आपको एक ड्रीम डील ऑफर करता हूँ. ड्रीम डील का मतलब जो आपने मांगा वही ऑफर करता हूँ. 80 lakhs for 2%. Done. Wow. We match it. क्या आपका ऑफर चेंज हो गया? Yes, we match yours. Dream deal हम भी दे सकते हैं. Well done, guys. अमन, मेरा ये व्यू रहेगा कि वो 80 लाख और 3% अगर हम कर सकते हैं तो हम तीनों आ जाते हैं. That's a good idea. बस अब हमें 2 मिनट दीजिए, हम अगर एक कलेक्टिव ऑफर आप सोच के आइए और बताइए एक ऑफर जो इनको एक्सेप्टेबल हो सके. गॉट इट, जस्ट गिव अस वन. फुल ऑन. कोई नहीं यार, बिकॉज दे नीड मोर मनी. 40 lakh हमारा बस एक काउंटर ऑफर है, अगर आप चारों 2 crore for 5% आएंगे तो बिल्कुल वर्क हो जाए. नो नो, इट्स टू लेस फॉर अस. देखिए मैं इससे आउट, आप बाकी 3 से बात. 1 crore pe 3% बनता है तो उसमें क्या वैल्यूएशन आएगी? 80 पे 2 ना, 1 पे अभी 2, अभी इजी हो जाता है, इजी हो जाता है ना. सुन, अभी आपके 2 शार्क आउट है, अभी 3 शार्क केन है, व्हिच इज पीयूष, नमिता और मैं. हमारा अभी तक का जो ऑफर है ना 80 lakhs for 3% है. आपके इन्वेस्टर्स को जब आप बोलोगे ना कि अमन, नमिता, पीयूष आ रहे हैं, वो मान जाएंगे. ये है मेरे 3 दोस्त, रेखा, जया और सुषमा. निर्मा का याद आ गया. तीनों के हेयर टाइप्स अलग है, तीनों के प्रॉब्लम्स अलग है. किसी को हेयर फॉल और डैंड्रफ का इश्यू है, तो किसी को ऑयली स्कैल्प और फ्रीजीनेस का. बट जब ये लोग मार्केट में कोई शैम्पू खरीदने जाते हैं तो इन्हें मिलते हैं वो ही डैंड्रफ के लिए अलग शैम्पू, हेयर फॉल के लिए अलग शैम्पू, ऑयली स्कैल्प के लिए अलग शैम्पू. एक इंसान कितने प्रोडक्ट्स खरीदेगा? अगर हम जूते अपनी पैरों के साइज के हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हैं, तो अपने बालों की जरूरत के हिसाब से शैम्पू भी नहीं कस्टमाइज कर सकते हैं.
क्यों हम सब वो ही घिसे पिटे जेनेरिक प्रोडक्ट्स यूज कर रहे हैं जिसका हमें रिजल्ट भी नहीं मिलता। बस इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मैंने एक कंपनी शुरू की है। नमस्ते शार्क्स, मैं हूँ आयुष वर्मा और मेरी कंपनी का नाम है ट्रैवल। ट्रैवल एक ऐसी ब्रांड है जो आपके हेयर टाइप रिक्वायरमेंट्स और गोल्स के हिसाब से कस्टमाइज्ड हेयर केयर प्रोडक्ट्स बनाती है। आपको सिर्फ वेबसाइट पे जाकर एक क्विज लेना है, वहाँ क्वेश्चंस आपकी सारी चीजें कवर करेंगे, राइट फ्रॉम हेयर टाइप, ट्रीटमेंट्स, आप कलर एंड फ्रेग्रेंस चूज कर सकते हो। एंड सिर्फ यही नहीं, आप बॉटल्स पे खुद का नाम भी लिख सकते हो। अरे वाह। उन आंसर्स के बेसिस पे हमारी टीम आपके लिए यूनिक और कस्टमाइज प्रोडक्ट्स बनाएगी सही और इफेक्टिव इंग्रेडिएंट्स यूज करके। शार्क्स, हमारे सारे प्रोडक्ट्स सल्फेट एंड पैराबेन फ्री, मेड इन इंडिया और क्लीन ब्यूटी स्टैंडर्ड्स को फॉलो करते हैं। अब तक हमारे प्लेटफॉर्म पर 2,00,000 लोगों ने उनके प्रोडक्ट्स कस्टमाइज किए हैं। और शार्क्स, मेरा विजन है कि मैं पूरी दुनिया के सारे लोगों को वो ही प्रोडक्ट्स पहुंचा पाऊँ जो उनके लिए बने हैं। इसलिए आज मैं आपसे 2.5% इक्विटी के एक्सचेंज में 75 लाख की इन्वेस्टमेंट लेने आया हूं। तो क्या आप तैयार हैं इंडिया को बाल बाल बचाने? So, आयुष, शार्क टैंक पे आपका स्वागत है। थैंक यू। बताइए कि इस वेंचर के बारे में आपने कैसे सोचा और खुद के बारे में भी कुछ बताइए। तो मैं अमरावती नाम की सिटी से हूँ, जो एक छोटा सा टाउन है महाराष्ट्र में। मैं मुंबई आया था फॉर माय ग्रेजुएशन। मैंने कंप्यूटर साइंस में इंजीनियरिंग की है। कॉलेज के बाद एक चीज क्लियर था कि मुझे जॉब नहीं करना है। पर ये भी नहीं पता था कि क्या करना है। इंजीनियरिंग होने के बाद मैं 6 महीने के लिए बैकपैकिंग पे चले गया ऑल ओवर इंडिया। लाइक आई हैव बीन टू सिक्किम, मेघालय साइड, हिमाचल, हर जगह पर। मैंने इंडिया का एक्चुअल कल्चरल डाइवर्सिटी समझा। हर जगह का डाइट अलग है, एनवायरमेंट अलग है, लोग ही अलग है, बट प्रोडक्ट्स काइंड ऑफ एक जैसे ही है। तो वहाँ से मुझे आइडिया आया था। मैंने कंपनी के ऊपर नवंबर 2018 से काम करना शुरू किया था। करीब हमने 1.5 साल तक R&D किया एंड जनवरी 2021 में मैंने इसे लॉन्च किया। नहीं, बट एक चीज बताओ आयुष, नवंबर 2018 की कंपनी है और आपने लॉन्च किया जनवरी 2021, तो कभी कभी क्या होता है टाइम टू मार्केट भी इम्पोर्टेंट होता है। आप थोड़ा स्लो नहीं थे? मैं ये बैकग्राउंड से हूँ नहीं, तो मुझे टीम असेंबल करना पड़ा। कंसल्टेंट्स को हायर किया, उनके साथ काफी ट्रायल एंड एरर हुआ, कुछ बैचेस फेल हो गए, फिर शुरू से शुरुआत की एंड बीच में लॉकडाउन हो गया। हमने लॉन्च किया था 16 मार्च 2020 में। अच्छा जी। बट 5 दिन बाद लॉकडाउन हो गया। तो कितना रेवेन्यू है अब आपका? हमारा फिलहाल ARR 5 करोड़ का है। हमने लास्ट मंथ 40 लाख का सेल किया था। जनवरी 21 से मार्च 22 तक के हमारा सेल था 1.55 crore। ओके। बट पिछले 4 महीने में अप्रैल से जुलाई तक के हमारा सेल था 1.4 crore। अच्छा, ये बात बताइए, आपका बिजनेस क्या इस कारण से भरा है पिछले 4 महीनों में कि आपने कोई फंड रेज किया इसके? हमने कोई फंड रेज नहीं किया, हम अभी तक कम्प्लीटली बूटस्ट्रैप्ड हैं। तो ये जो अभी आपका 40 लाख का सेल्स चल रहा है पर महीने का, ये GMV है कि नेट सेल्स है? हाँ, ये GMV है। नेट सेल्स कितना है भाई? नेट होगा 35 लाख। और इसमें आपका मार्केटिंग एक्सपेंडिचर कितना है? 9,78,000 का था, 10 लाख। Not bad. कैसे कर रहे हो यार ये तो? मतलब वही मैं समझने की कोशिश कर रहा हूं। Well, पूरा मार्केटिंग मैं हैंडल कर रहा हूं, so I run all the ads. आपका बैकग्राउंड है मार्केटिंग में? Not exactly, but मैंने सीखा था। ऐसा क्या आपने दिखाया उस ऐड में कि लोगों के साथ कनेक्ट किया? जो भी पैटर्न ब्रेकिंग हुक है वो काम किया। He's doing breakthrough marketing. पर ये तो इतनी कंपेटिटिव मार्केट है, मतलब सारे ब्रांड्स अगर कोर लेवल पे खाली मार्केटिंग पे टिके हुए हैं तो हाउ सस्टेनेबल, कितना सस्टेनेबल है बार बार? वही मेरा पॉइंट है ना, आप मार्केटिंग पे सस्टेन नहीं कर सकते, आपको प्रोडक्ट के ऊपर काम करना है। इसमें रिपीट है, इसमें वर्ड ऑफ माउथ की का काफी हेल्प है। क्या परसेंट रिपीट है? अराउंड हमारा 20% मंथ ऑन मंथ रिपीट है, बट हमारे सेल्स ड्रास्टिकली ग्रो हो रहे हैं। तो हमारे अप्रैल में सेल्स थे 15 लाख, मई में थे 25 लाख, जून में थे 32 लाख एंड जुलाई में था 40 लाख। दीस आर GMV। 40 नहीं, 35। नो, 40। नेट रेवेन्यू तो और कम हो गए, नेट सेल्स गुड है। या आई एम टॉकिंग अबाउट GMV। हां ठीक है, मतलब 10% माइनस कर लो सब में से। तो नेट रेवेन्यू क्या होता है? अगर आप ग्रॉस रेवेन्यू में से डिस्काउंट, कमीशन, GST और सेल्स रिटर्न हटा दो, उसको बोलते हैं नेट रेवेन्यू।
ये 35 लाख में कितना बॉडी केयर, स्किन केयर, हेयर केयर का स्प्लिट क्या है? That's the best part. 100% सेल्स सिर्फ हेयर केयर का है एंड nice. सिर्फ वेबसाइट से. हमने स्किन केयर और बॉडी केयर तो अभी लॉन्च किया और मार्केट प्लेसेस पे हम लोग जाने वाले इन द नेक्स्ट 1 or 2 months. पर वहाँ कस्टमाइज कैसे करेंगे? हमारे पास 2 लाख लोगों का डेटा है, सो आई नो कि कौन सी प्रोफाइल्स मेनली लोगों की रिक्वायरमेंट है. सो कुछ 60-70% प्रोफाइल्स के वी कैन मेक मास प्रोड्यूस प्रोडक्ट एंड वो वहाँ पे लॉन्च कर सकते हैं. तो मेरे को ना एक एग्जांपल दो, कोई वेबसाइट दिखाओ. sure. हाँ, आप डेमो दिखाने वाले हो. हाँ, और उसके बाद फिर प्रोडक्ट्स भी दिखा दीजिएगा. नमिता, आप क्विज लेना चाहोगे? ठीक है, तो ये ऑर्डर योर फॉर्मूला पे क्लिक करूं? क्लिक ऑन ऑर्डर फॉर्मूला. फीमेल बेबी मीडियम. You know, इतने questions answer करते करते fatigue नहीं आ जाता है customer को? जिसका intent रहता वो करता है ना? ये भी every day है, इसका answer every day है. कितने percent लोग answer करते हैं सारे question? ये हमारे 55% submissions आते हैं. So, काफी लोग तो शुरू करते हैं, but 55% यहाँ तक ही पहुँच जाते हैं. आप ये ले सकते हैं, products देख सकते हैं. हाँ हाँ. Thank you. इस पे तो नाम भी लिखा हुआ. वाओ, अच्छा है भाई. थोड़ा सा आर्टिफिशियल नहीं लग रहा है कलर वगैरह? थोड़ा सा मुझे तो आर्टिफिशियल फील आ रही है इसमें, गिमिकी फील आ रही है, वो ऑथेंटिक नहीं आ रही है. जो ब्लू वाला है ना, उसमें एक है पर्टिकुलर जो लोगों को पसंद है, उस तरह का प्रेफरेंस है. भाई एक मिनट लेके आपकी थोड़ी इंडस्ट्री समझते हैं. पर्सनलाइज्ड बीपीसी, ब्यूटी एंड पर्सनल केयर, इसकी बाउंड्रीज एस्टेब्लिश करते हैं. एक तरफ है कि आप एक एक्सपर्ट के साथ 1-on-1 कंसल्टिंग करते हैं और वो आपको प्रिस्क्राइब करते हैं अब ये प्रोडक्ट्स यूज करो. दूसरी तरफ है एआई, आप सिर्फ फोटो खींचिए स्किन की, बाल की, और वो अपने आप फिगर आउट कर लेता है और प्रोडक्ट्स आपको प्रिस्क्राइब करते हैं. ठीक है, एंड देन यू आर इन द मिडल कि आप एक फॉर्म भरवाते हैं विच इज वेरी पेनफुल अकॉर्डिंग टू व्हाट आई सॉ, और बेसिस दोज आंसर्स आप अपने प्रोडक्ट फॉर्मुलेट करके भेजते हैं. आपको क्या लगता है, ये काफी स्प्लिट हो जाएगा और फ्रेगमेंटेड हो जाएगा मार्केट इन दिस वेरियस स्पेसेस? हाइब्रिड मॉडल वुड बी द परफेक्ट वन, एंड उसके लिए मुझे थोड़ी गाइडेंस की जरूरत है टेक स्टैक वगैरह के लिए, एंड दैट इज समथिंग दैट वी कैन डू लेटर ऑन. हमने सिर्फ 1 साल पहले कंपनी शुरू किया, वो टेक्नोलॉजी अभी डेवलप हुई नहीं एंड वो सब डायरेक्शन में हम अभी गए नहीं. आपका ना मुझे ना थोड़ा सा हाफ बेक्ड केक लगा. आई वुड जस्ट सजेस्ट दैट आप थोड़ी और रिसर्च करो अपनी ही इंडस्ट्री की. जब मैं ये घुसा था ना, तो हमसे पहले ना बहुत सारे ब्रांड्स आए थे इंडियन, बट उनको क्या होता था ना, वो क्वालिटी पे फोकस नहीं करते थे या प्राइस पे फोकस नहीं करते थे. तो मैंने उनकी गलतियों से सीखा और मैं उनसे मिला, उनके फाउंडर से मिला, तो अंदर से पता लगता है क्या क्या इश्यूज निकले थे. तो मेरा बस यही सजेशन है, मैं आउट हूँ, गो डीपर इन टू योर इंडस्ट्री सो दैट आप वो गलतियां ना करो जो दूसरे कर चुके हैं. दैट्स माई ओनली सजेशन. तो फर्स्टली आयुष, आई लाइक योर एनर्जी एंड पॉजिटिविटी, कीप दैट अप. थैंक यू. लेकिन सीजन 1 में इफ यू रिमेंबर, मैंने एक ब्रांड में इन्वेस्ट किया है जिसमें हेयर केयर, स्किन केयर, ओली बॉडी केयर, ओली, तो मेरा ऑलरेडी उसमें इन्वेस्टमेंट है. बट मैं ये कहना चाहूंगी कि हेयर केयर पे थोड़ा फोकस कीजिए, उसे थोड़ा बड़ा बनाइए, फिर आप दूसरे सेगमेंट्स में एंट्री कीजिएगा. दैट्स माई ओनली फीडबैक, बट आई एम आउट. आई विश यू द वेरी बेस्ट. देखिए, ये कैटेगरी जो है बहुत इंटरेस्टिंग है. इसमें मैं आपको बताती हूँ चैलेंज क्या है. आयुष, आप जब सारे कॉम्बिनेशंस अपने क्विज के थ्रू क्रिएट कर देते हैं, कर्ली, स्ट्रेट, वेवी, यू नो, कर्ली बट ऑयली, ये सारे, मतलब मे बी इवन इफ देयर आर 50 कॉम्बिनेशंस, आजकल क्या हो गया है कि जो D2C ब्रांड्स हैं, ये एक एक कैटेगरी को पीछे, कर्ली विद 20 डिफरेंट प्रॉब्लम्स, वेवी विद 20, सबके पीछे एक एक SKU निकाल के. तो चैलेंज वो है कि इन्वेंट्री एंड नंबर ऑफ SKUs अभी कंस्ट्रेंट ही नहीं रहा है. So, best of luck to you. For now, I'm out.
आपका रिपीट कोहोर्ट क्या है? अगर आप 90 डे की साइकिल पकड़ोगे तो अराउंड 27% का है। और अगर मैं 6 महीने की साइकिल पकड़ूं? अराउंड 35% के आसपास आना चाहिए। तो मतलब ज्यादा लोग रिपीट नहीं आ रहे हैं, आप मानेंगे इस बात? बट नहीं, 6 महीने में 35% इज गुड अकॉर्डिंग टू। एंड अभी जो हमारा 20% रिपीट रेट चल रहा है, दैट इज बिकॉज़ कि हमारा बिजनेस भी डबल हो रहा है एवरी 2 मंथ। आपका पर्सनल गोल क्या है? यही कैटेगरी पे स्टिक रहना चाहते हैं या कोई आपको बिजनेस बनाना है, कुछ भी हो जाए, कोई भी कैटेगरी चलेगी? इसी कैटेगरी में रहना चाहेंगे। एंड वो ही है कि प्रोडक्ट को ऑप्टिमाइज करना है एंड लाइक गिविंग द बेस्ट सॉल्यूशंस। जहां मुझे लैक लग रहा है वो है प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन, और एक ये जो प्रोडक्ट मिलके जो वाव फैक्टर आता है ना पैकेजिंग में और ब्रांड में, वो मिसिंग है, इसलिए मैं आज इससे बाहर हूं। अगर आपका कभी मन करे कैटेगरी चेंज करने का और आप यही चीज चश्मों में करना चाहें तो आपको मैं फंड करने के लिए रेडी हूं। आयुष, तो मेरे को एक बात बताओ, 35 लाख में सिर्फ 10 लाख आपने मार्केटिंग स्पेंड की, तो प्रॉफिट कितना बचा आपके पास? प्रॉफिट हमारा लास्ट मंथ का 5.5 लाख रुपए का नेट प्रॉफिट, 5.5 लाख नेट प्रॉफिट। वेल डन आयुष, अमेजिंग। मोस्ट एंटरप्रेन्योर्स आर नॉट एबल टू डू दैट। दूसरी बात, आपका बिजनेस 2 महीने में डबल होगा, यू जनरेट 10 लाख ऑफ प्रॉफिट, सो व्हाई डू यू वांट एन इन्वेस्टमेंट? मुझे इन्वेस्टमेंट से पैसों के लिए नहीं चाहिए, मुझे गाइडेंस चाहिए। क्या गाइडेंस? जैसे आपने बोला कि ऑपरेशंस टेक बेस इसको कर सकते हैं, लाइक वी कैन, मुझे इनपुट्स चाहिए, बिकॉज़ सी आई एम 26, ठीक है, बहुत कुछ है जो मुझे नहीं पता, एंड जितना हमारे कैपेबिलिटीज के लिए बेस्ट हम वहां तक उसके लिए क्या है। देखिए, मुझे लगता है आयुष, आई थिंक ऑल शॉक्स आउट, आई विल टेल यू माय डिसीजन। आई थिंक योर बिजनेस इज वेरी एंटाइसिंग, मुझे काफी एक्साइटमेंट हो रहा था आपके प्रॉफिट नंबर सुनकर, लेकिन मुझे ये भी लग रहा है आज की तारीख में आप सब कुछ खुद कर रहे हो। एज यू स्केल आपको काफी टीम की जरूरत पड़ेगी, सो आई थिंक प्रॉफिटेबिलिटी विल टेक अ हिट। कॉस्ट आएगा बट स्केल होगा बिजनेस तो प्रॉफिट भी उतना ही बढ़ेगा जितने आगे कॉस्ट आएगा। चलो मैं आपको एक कंडीशनल ऑफर देता हूँ, इट इज बेस्ड ऑन आपका 2 महीने में आप मेरे को क्या नंबर्स बता रहे हो और प्रॉफिट कितना बता रहे हो। 2 महीने बाद वी कैन डू 75 लाख, एंड फिलहाल हम कुछ 17% नेट प्रॉफिट पे। टू बी ऑन अ वेरी कंजर्वेटिव साइड, आई थिंक वी कैन मेक अ प्रॉफिट ऑफ 10-11%, 75 लाख। तो मैं आपको ऑफर देता हूँ, आई विल गिव यू 75 लाख फॉर 10% ऑफ, 7.5 करोड़ का वैल्यूएशन। अनुपम, कैन आई मेक अ काउंटर? या बना, श्योर। 75 लाख फॉर 3.5%? नहीं भाई, वहाँ तक जाएंगे नहीं। आई टेल यू द प्रॉब्लम, देयर आर कंपनीज इन द बीपीसी इंडस्ट्री एट 2 करोड़ ऑफ रेवेन्यू पर, लेकिन वीसीज इन्वेस्ट नहीं कर, तो मेरा एग्जिट कहाँ से आएगा? या तो आपके कैश फ्लो से आएगा, या तो कोई वीसी डालेगा पैसा तब आएगा। Right. So this is the only offer because of that reason. Plus आपका net revenue 5 crore ARR पे नहीं है। आपका 3.5 करोड़ है। आपका 3-3.5 करोड़ पे अगर GST काट देंगे तो उस हिसाब से valuation is 2x. It's 2x. 2x से ज़्यादा. 2.5. This is my only offer. 75 lakhs for 7.5%. 10 करोड़ का वैल्यूएशन होगा। मैंने आपको समझा दिया किस लिए मैं कर रहा हूं। The only way I can make money is cash flow. Is this your final offer? This is my final offer. It's non-negotiable. Okay, deal पक्की। All right, good. I must tell you, it's a good decision. Good decision, buddy. Another A in the tank. Oh. All the best. Thank you. Thank you. Bye-bye. Thank you. Good luck. Honey Veda. मंच पे अगर आज मधुमक्खी छूट गई और पकड़ में नहीं आए तो सब भागने वाले हैं। शार्क्स, तो ये आवाज सुन के थोड़ा तो डर लगा होगा। यस, हाँ, ये स्वाभाविक है, लेकिन हकीकत में ये मधुमक्खी हम इंसानों के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। अच्छा। और अल्बर्ट आइंस्टाइन ने भी कहा था कि अगर मधुमक्खी नहीं रहेगी तो हमारी दुनिया ही खत्म हो जाएगी।
मधुमक्खी के परागण या तो पॉलिनेशन के बिना हमारी 70% से भी ज्यादा फसल प्रभावित होगी। मधुमक्खी भी हम इंसानों की तरह अपनी कॉलोनीज बना के रहती है, मगर हम इंसान हमारे मतलब के लिए बड़ी ही बेरहमी से उनके मधुमक्खी के छत्ते को या तो तोड़ देते हैं या तो जला देते हैं। ये जो छत्ता होता है इसमें सिर्फ 20% हिस्से में ही शहद होता है, बाकी के 80% हिस्से में इतनी मधुमक्खी होती है जिसका अभी तक जन्म भी नहीं हुआ, और वो सारी मर जाती है या तो बेघर हो जाती है। मुझसे ये चीज देखी नहीं गई, तो इसके सॉल्यूशन के लिए हमने हनीवेदा की शुरुआत की। नमस्ते, मेरा नाम हार्दिक है। मेरा नाम कश्यप है। हम गुजरात से हैं और हम हनीवेदा के फाउंडर हैं। हनीवेदा एक ऐसी ब्रांड है जो मधुमक्खी को मारे बिना बी प्रोडक्ट्स जैसे कि शहद, बीज वैक्स कस्टमर तक पहुंचाते हैं, और आज की तारीख पे एक B2B वर्टिकल में एक बल्क सप्लायर के तौर पे हमारी एक एक्सपर्टीज हासिल की है। लेकिन अब हम हनीवेदा को एक विश्वसनीय D2C ब्रांड बनाना चाहते हैं। हमने 200 से भी ज्यादा किसान और आदिवासी समूह को बी कीपिंग की ट्रेनिंग दी हुई है। हम चाहते हैं कि हम हनीवेदा को इंडिया की No. 1 हनी ब्रांड बनाए। शार्क्स, हमारी आस्क है 75 लाख रुपए 7.5% इक्विटी के सामने। कश्यप और हार्दिक, शुक्रिया, आपने हमें इतना सिखाया। एक्चुअली पता नहीं था मुझे ये मधुमक्खी एंड शहद के बारे में। तो बी कीपिंग बहुत इंटरेस्टिंग प्रोफेशन है, आपको ये बचपन से इसमें रुचि थी कि ये कुछ? देखिए, मैंने 9 साल कॉरपोरेट वर्ल्ड में जॉब किया है। जब मैं जॉब कर रहा था तो मेरी कंपनी में एक कैंपेन था जिसको पर्पस फॉर लाइफ बोलते थे, तो इसके अंतर्गत मैंने बी कीपिंग सिलेक्ट किया। पर जब मुझे पता चला कि हनी बीज का इम्पैक्ट कितना बड़ा है, किसान को कितना फायदा हो रहा है, तो यहाँ से इंस्पायर होते 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 मेरी जॉब के साथ 3 साल मैंने बी कीपिंग में बहुत सारी गलतियां भी की, वापस खड़ा हुआ, सीखा। जब मुझे कॉन्फिडेंस आया तब मैंने अपनी जॉब छोड़ दिया और फिर हमने हनीवेदा की शुरुआत की। परागण की जो प्रोसेस जिसको पॉलिनेशन बोलते हैं, ये प्रोसेस सदियों से हमें एक अच्छी यील्ड दे रही है किसानों को। अब नेचुरली हनी बीज जब मर रही थी खेतों पे, तो किसानों को अपनी यील्ड में घटौती देखने को हुई। बी कीपिंग एक ऐसा तरीका है कि जहाँ पे आप एक वैज्ञानिक तरीके से आप मक्खियों के साथ काम करते हैं, उसको बिना मारे उसकी संख्या बढ़ाते हुए उसका ब्रीडिंग करते हुए हम शहद या दूसरे बी प्रोडक्ट का हार्वेस्टिंग करते हैं। जैसे हम लोग का घर होता है वैसे ये एक मधुमक्खी का घर है, और इसके अंदर इस तरह से फ्रेम्स होती है। तो ये फ्रेम को आप छत्ता मान लीजिए, तो इस फ्रेम के अंदर हम लोग एक वैक्स फाउंडेशन शीट डाल देते हैं। इसके अंदर हेक्सागोनल पहले से प्रिंट किया हुआ रहता है, वो फाउंडेशन शीट के ऊपर बीज अपना ये कॉम्ब बनाना शुरू कर देती है। ये जो बी बॉक्स है इसके अंदर एक ही रानी होती है, इसमें से जो सर्कल किया हुआ है उसकी लंबाई आप देखिए दूसरे वर्कर बीज से ज्यादा होगी। क्वीन बी, और एक घर में एक ही रानी रहेगी। देखो क्या कमाल है, हमारे शार्क टैंक में तो 2 रानियां हैं। अच्छा, अब ये होता है अगर मुझे उत्तराखंड में लीची में ले जाना है, या राजस्थान में उसको मस्टर्ड फ्लोरा पे ले जाना है, या गुजरात पे अजवाइन पे ले जाना है, तो इसके लिए हम माइग्रेशन करते हैं। हम आपको बता दें कि इसके अंदर बीज ऑलरेडी है इस समय पे, तो हम लोग क्या करते हैं कि फार्म के बाजू में इसको डिप्लॉय कर देते हैं। उसके बाद मधुमक्खी फूलों पे बैठती है, वहां से अपना नेक्टर एंड पोलन कलेक्ट करती है, और वो कलेक्ट करने के बाद इसके ऊपर जो छत्ता बना है इसमें सब आके डिपॉजिट कर देती है, और इसमें से शहद बन जाता है। अगर मैं किसी खेत के बाजू में इस तरह से बीकीपिंग करूंगा तो उससे अल्टीमेटली एग्रीकल्चर को फायदा होने वाला है, किसान को फायदा ये होने वाला है कि उसकी यील्ड में इंक्रीज होगा,
मुझे फायदा ये हो रहा है कि मुझे यहाँ के अच्छे फूलों का शहद मिलेगा जो मैं अपने कंज्यूमर को दे सकता हूँ। तो आप लाए हो टेस्ट करने के लिए? हाँ हाँ हम लाए। इसमें शुगर कंटेंट तो बहुत होगा। नेचुरल शुगर रहता है। फूलों का जो सुक्रोज होता है, बीज एक बार उसके हनी सेक में आने के बाद उसको फ्रुक्टोज और ग्लूकोज में डिवाइड करती है। ये अजवाइन बहुत इंटरेस्टिंग है। यस मीठा है पर अजवाइन वाला टेस्ट आ रहा है। इट इज अवर हीरो प्रोडक्ट एक्चुअली। जैम का टेस्ट आ रहा है इसमें। आपके सारे ही प्रोडक्ट्स बहुत अच्छे थे टेस्ट करने में। थैंक यू। लेकिन मस्टर्ड हनी मैंने आज तक खाया नहीं है, तो ये कोई स्पेशल चीज है सिर्फ आप बनाते हैं या? मस्टर्ड हनी एक आयरनी है हमारी इंडस्ट्री की। सबसे ज्यादा शहद का प्रोडक्शन मस्टर्ड का ही इंडिया में होता है। बिकॉज ये क्रिस्टलाइज हो जाता है, ये भारत में नहीं चलता। हमारी जो एक्सपोर्ट्स है उसमें से 80% से ज्यादा एक्सपोर्ट मस्टर्ड हनी ही होता है, क्योंकि वहां उन लोग को ये चीज से दिक्कत नहीं है। तो हम फ्यूचर में इस प्रोडक्ट को एक रेफ्रिजरेटेड सप्लाई चेन से लाएंगे और हम चाहेंगे कि आप जैम की जगह पे इसका यूज करें। मैंने लाइफ में इतना हनी के ऊपर प्यार किसी को नहीं करते हुए देखा। ऐसा लग रहा है कि आप रोज अगर किसी को बेचारी हनी आ जाए हम उसे हट कर दे तो आप तो रो दोगे। कैसे कर रहे हो? और आपका डर कैसे गया मधुमक्खी से? जो मैंने इम्पैक्ट और जो बिजनेस अपॉर्चुनिटी मेरे दिमाग में आई, शायद उसी चीज ने मुझे कैरी ऑन करने में मदद किया। पैसे देख के डर गायब हो। एजुकेट कीजिए कि फ्रॉम अ हेल्थ पर्सपेक्टिव शुगर सब्स्टिट्यूट इज हनी बेटर के जैगरी बेटर और डेट बेटर? देखिए कैलोरी काउंट के हिसाब से तो मुझे नहीं मालूम है, पर अगर हम न्यूट्रिएंट्स की बात करें, इट इज वन ऑफ द सुपर फूड। मैं आपको एक एडवाइस देना चाहूंगी कि इट्स ऑलवेज गुड टू नो योर कॉम्पिटिशन, एंड एज हनी वन ऑफ योर बिगेस्ट कॉम्पिटिशन इज जैगरी। जैगरी आप ये नहीं कह सकते कि आई डोंट नो एग्जैक्टली। Must be fully educated. थोड़ा सा business समझते हैं कि आपका क्या business है? हमारा business 9 से 10 महीने का season business है। अच्छा। हमने 2020-21 में 35 लाख के अराउंड हमारी सेल्स थी। इसमें से मेजर चंक था वो हनी बीज का था। अच्छा। सेकंड मेजर चंक बल्क था, थर्ड मेजर चंक हमारी ब्रांड से थोड़ा बहुत जो होता है वो। 21-22 में 51 लाख और till date 53 लाख। इस साल का ब्रेकअप बता दो 53 लाख का। बल्क इस साल ज्यादा हुआ है हमारा, 40 लाख से भी ज्यादा हुआ है। तो 40 लाख आपने खाली हनी बेचा है जी। और उसके अलावा हमने हनी बीज भी सप्लाई की है 9 लाख से ज्यादा। 40 लाख रुपए एकदम से क्या हुआ कि आपकी सेल इतनी बढ़ गई? पिछले साल तक हम इतना कॉन्फिडेंट हो गए कि हमने मेजर प्लेयर जो एक्सपोर्टर है उसको हमने जाके मिला, हमने समझाया कि इस तरह से हमारा बी हैव टू बोटल का कॉन्सेप्ट है। उनको भरोसा हुआ कि ठीक है आप हमें कंसिस्टेंट सप्लाई दे सकते हैं। धीरे धीरे इस तरह से हमने शुरुआत की है। तो हमारे लिए जो फंडिंग आ रही है वो फंडिंग का मेजरली दो यूज होगा। आ रही है मतलब यहाँ से आएगी क्या? आ चुकी है कहीं? आ रही है मतलब तय कर लिया आप? मैं तो यही भरोसा रखता हूँ। बहुत अच्छा। क्या क्या यूज करेंगे? अभी हमारे पास ऐसे 600 कॉलोनीज है, हम इसको 1500 तक ले जाना चाहते हैं। इससे क्या होगा, हमारी इकोनॉमी ऑफ स्केल की वजह से हमारी कॉस्टिंग रेशनलाइज होगी और कॉस्टिंग रेशनलाइज होने से हमारे बल्क या तो रिटेल दोनों में ही हमारे मार्जिन इम्प्रूव होगा। अभी क्या मार्जिन है? हमारा जो बल्क सप्लाई है उसमें 20% के आसपास मार्जिन कमा लेते हैं, पर जैसे ही हम 1500 से ज्यादा कॉलोनी पे जाएंगे तो वो मार्जिन को हम 30% तक ले जा सकते हैं। फिर भी कम है ना 30%? मैम इसमें आफ्टर सेल्स कोई खर्चे नहीं है। आप क्या करते हो? सर मैं इसका ब्रदर हूँ। अच्छा। बेसिकली मेरा फार्मास्यूटिकल डिस्ट्रीब्यूटर का काम है राजकोट। क्या बात कर रहे हो, आपकी तो डील कंफर्म है। कौन सी कंपनी डिस्ट्रीब्यूट करते हैं? मेरे पास 28 कंपनी है। एमक्योर है? एमक्योर नहीं है, सॉरी। तो आप ये बिजनेस में साथ नहीं हो? साथ में ही है। अच्छा। तो उनका 15 साल का फैमिली बिजनेस का एक अनुभव भी है, तो इसीलिए मैंने उनको डायरेक्टर बनाया। मेरे को ना हनी शुरू से पसंद नहीं है, मेरी वाइफ और मेरे बच्चे खाते हैं। आपको मैंने... क्या पसंद है? बटर चिकन और क्या। मेरे को ना हनी में इतना इंटरेस्ट नहीं है, मेरे लिए मेरी वाइफ ही मेरी एक
इकलौती हनी है जो मैं जिसको मैं देखता हूँ और मुझे यू नो टेस्ट भी नहीं समझ आता हनी वगैरह का. सो आई एम आउट. मुझे दो बातें खटक रही हैं बिकॉज ऑफ विच आई एम आउट. नंबर वन कि थोड़ा कंफ्यूजन है, आपको बीज भी बेचना है, बल्क भी करना है, ट्रस्टेड D2C ब्रांड की तरफ भी आपको जाना है और ये सब चीज़ें एक साथ करना थोड़ा मुश्किल होगा इन सच अ क्लटर्ड एंड अनऑर्गेनाइज मार्केट. सो आई थिंक मेरे लिए थोड़ा अर्ली है बट आई विश यू द बेस्ट. आप D2C ब्रांड बनाना चाहते हैं पर अभी ये अर्ली स्टेज है बट आई थिंक आपको परस्यू करना चाहिए, ब्रांड बनाना चाहिए. आपके पास कोर स्ट्रेंथ है और आप जरूर अच्छा करेंगे इस कैटेगरी में पर आज मैं इससे बाहर हूँ. तो यार मुझे क्या लग रहा है यहाँ पर एक अपॉर्चुनिटी है एक इकोसिस्टम बनाने की ना कि ये D2C में घुस जाना क्योंकि ये फैशन चल रहा है आज. अगर एक्सपोर्ट का बड़ा धंधा बनाना है कैसे बनाएंगे ये अगले 3 साल का मेरे को रास्ता बता सकते हो? सबसे पहली चीज हमें खुद का प्रोडक्शन इंक्रीज करना पड़ेगा तो हम बी कॉलोनीज बढ़ाएंगे. कितना खर्चा होगा? 60 लाख के आसपास वो हो जाएगा. देखिए आज हमारी प्रोडक्ट एक्सपोर्ट के लिए तैयार है सिर्फ हमारे पास एक्सपोर्ट रिलेटेड लाइसेंसेस और सर्टिफिकेशन नहीं है तो वो चीज जैसे ही हमारी कॉलोनीज बढ़ती है हम सबसे पहला काम सर्टिफिकेशन लाइसेंसेस पे करेंगे. इस साल आप कितना प्रॉफिट करोगे? नेट प्रॉफिट सब खर्चे हटा के अभी तक हमने कुछ 7 लाख जितना फंड हमारे पास बचा है हम उसको कम से कम 3.5-4 करोड़ तक ले जाएंगे अगर फंडिंग मिल गया तो. प्रॉफिट 25% बहुत ही सेफली हम उसको सिक्योर कर लेंगे. तो आप 30-40 लाख रुपया प्रॉफिट बना लोगे? हाँ. 10%. What do you think? I'm thinking 3 lakh and 10% you and me. Valuation कितनी हो गई? 5 crore. Alright guys, यहाँ पे काम बड़ा मुश्किल है. गवर्नमेंट के साथ, फार्मर्स के साथ, लग के पूरी इंडस्ट्री को बढ़ाना पड़ेगा तभी आपका काम बढ़ेगा. बिल्कुल सही. जब तक ये $1-2 billion की इंडस्ट्री नहीं हो जाती भारत में हमारा कुछ काम नहीं होने वाला. तो हम वो सोच के आपको एक ऑफर करेंगे. हमारी ऑफर आपके लिए है 50 लाख रुपए एंड इसमें 20% हम इक्विटी लेंगे एंड उसके ऊपर हम आपको 25 लाख इन डेट देंगे एट स्टैंडर्ड 12% का इंटरेस्ट रेट. हम 1 मिनट ले सकते हैं? हाँ आप 1 मिनट ले सकते हैं. जो इंटरेस्ट डेट पोर्शन है उसमें थोड़ा अगर हम नीचे ला सकते हैं. थैंक यू वेरी मच आपके भरोसे के लिए और हमें ऑफर देने के लिए. आपका काउंटर ऑफर क्या है? 15% के लिए अगर आप ये कर सके. और दूसरी रिक्वेस्ट ये थी कि इंटरेस्ट रेट. आप असली गुजराती हो. मैं इतनी डेट ऑफर्स कर चुकी हूँ इतनी शार्क टैंक पिचेस में इंटरेस्ट का नेगोशिएशन आई थिंक पहली बार कोई कर रहा है. नहीं नहीं देखिए हार्दिक भाई आप बात समझिए हमें बिजनेस बनाना आता है जी. तो इसमें बहुत काम है आप हाँ की ना कीजिए इसको 1-2-3 करते हैं. तुम्हारे बिजनेस में बहुत काम है ऑफर ले लो. हमारा हेतु वैल्यूएशन था ही नहीं कंपनी को जब जरूरत पड़ेगी आपने बता दिया कि आप सपोर्ट करेंगे भविष्य में भी तो इस बात पे आपके ऊपर भरोसा रख के हम ये डील फाइनल करते हैं. तुम्हारे लिपस्टिक वगैरह में नहीं डलता है नहीं? बहुत डलता है तो मैं आपसे वो भी खरीदूंगी. थैंक यू वेरी मच. कांग्रेचुलेशन. आज के शार्क एक्सपीरियंस में पीयूष मोगा से राहुल का सवाल है इन्वेस्टमेंट विंटर क्या होता है और बिजनेसेस को ये कैसे अफेक्ट करता है. मार्केट में इन्वेस्टर्स जो है एक हर्ड मेंटालिटी रहती है. एक टाइम आता है जब सबको लगता है कि यार बढ़िया होगा फ्यूचर अच्छा दिखेगा एक होप होती है तब लोग बहुत पैसा लगाते हैं. फिर कुछ बिजनेसेस वीक हो जाते हैं तो इन्वेस्टर्स भी कंजर्वेटिव हो जाते हैं उनको कैश फ्लो से थोड़ा सा फियर आ जाता है. पर एक अच्छा बिजनेस जो होता है ना उसको इन चीज़ों से मैटर ही नहीं करता है. तो आप इसके बारे में भूल जाइए क्या है विंटर समर. आप ये देखिए क्या लॉन्ग टर्म में
जो आप काम कर रहे हैं वो रियल है, क्या आप रियल प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, तो ये इस पे ध्यान रखिए, विंटर समर को भूल जाइए। गुड कंपनीज कैन रेज मनी एनी टाइम।